धर्म का ठेकेदार कौन है? आप ही बन रहे हैं ना बार बार, कभी राम पर कभी श्याम पर, आखिर क्या दिक्कत है आपको? कभी देवी देवता, जब जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को काल्पनिक मान लिया है उस चीज का प्रदर्शन करने का मतलब क्या है? शिक्षा की देवी सावित्री बाई फूले है, शिक्षा की देवी सावित्री बाई फूले नहीं है, नहीं है। क्या भूमिका है उनका शिक्षा में? आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहारा, मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास। राबड़ी आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का आयोजन है और कई बड़े नेता और विधायक मंत्री सब लोग पहुंच रहे हैं और दही चूड़ा भोज का आनंद उठा रहे हैं। इसके अलावा लालू यादव के साथ राजनीतिक बातें भी हो रही है, लेकिन इसी बीच राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, वही फतेह बहादुर सिंह हैं जो देवी देवता और राम को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, और एक बार फिर से उन्होंने देवी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सावित्री बाई फूले ही असली शिक्षा की देवी है, सरस्वती शिक्षा की देवी नहीं है। इसके अलावा राम को लेकर भी उन्होंने कहा है कि राम तो काल्पनिक हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, फिर किस तरीके की बातें हो रही है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा को लेकर, बैकवर्ड फॉरवर्ड को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनिए। भोज रखे हैं पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए, दही पूरे बिहार से कार्यकर्ता आ रहे हैं, दही चूड़ा खा रहे हैं और शपथ लेकर जा रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी सरकार को मिटाना है और संविधान को बचाना है। फतेह बहादुर जी, आप देवी देवताओं पर जो सवाल बयान देते हैं, आखिर क्यों विवादित बयान देते हैं? इस तरह का विवादित बयान क्यों देते हैं? इस तरह का बयान क्यों देते हैं? मैं जितना भी बयान दिया हूँ, इधर देखिए सर, मैं जितना भी बयान दिया हूँ उसका जवाब आप लोग दे दीजिए, इसके बाद हमसे बात करिए। ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? किसी भी धर्म के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? धर्म का ठेकेदार कौन है? आप ही बन रहे हैं ना बार बार, कभी राम पर कभी श्याम पर, आखिर क्या दिक्कत है आपको? कभी देवी देवता, जब जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को काल्पनिक मान लिया है उस चीज का प्रदर्शन करने का मतलब क्या है? तो आस्था पर चोट पहुँचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूछो ना जा करके, आप सुप्रीम कोर्ट से पूछो। शिक्षा की देवी सावित्री बाई फूले हैं, शिक्षा की देवी सावित्री बाई फूले नहीं है, नहीं है। क्यों आखिर इस तरह का? अरे क्या भूमिका है उनका शिक्षा में? लोगों के आस्था पे आप चोट पहुंचाते हैं। तो अभी आपने राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह को सुना है कि किस तरीके से वो बोल रहे थे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी मैंने कहा है अगर उसमें कुछ गलत है या फिर कोई सवाल का जवाब है तो आप हमको पहले बता दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिएगा। यानी कि फतेह बहादुर अपने बारे में बोल रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि शिक्षा की असली देवी सावित्री बाई फूले ही है। आखिर प्रचार क्यों किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? उनका हमला बीजेपी पर था और साफ साफ बोल रहे थे कि जनता समझ रही है, आखिर अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई क्यों हो रही है, क्यों लोगों को नहीं पढ़ने दिया जाता है। कितना कुछ उन्होंने कहा है आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं फतेह बहादुर सिंह के इस बयान के बारे में? क्या सचमुच में सरस्वती शिक्षा की देवी नहीं है? क्या सचमुच में सरस्वती के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है? क्या राम को लेकर जो हो रही है बातें, क्या उसमें राजनीति हो रही है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।